जय हिंद, नमस्कार। दिस इज अर्जुन एंड वेलकम टू स्टडी 91। बच्चों, आज जिस टॉपिक की हम लोग बात करने वाले हैं वो केवल केवल यूपी पीक एग्जाम में नहीं, आप देखोगे तो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जो एसएससी का एग्जाम होता है, आप देखोगे सभी में ये टॉपिक पूछा ही जाता है। सो आज ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आज के पढ़ने के बाद आपको इसमें बिल्कुल डाउट नहीं रह जाएगा और यहां पर आप इस टॉपिक से आप 100% स्कोर कर पाओगे। तो आप देखो यहां पर क्या अप्रोच होगा और किस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है, यहां पर जिस भी ट्रिक का हम लोग यूज करेंगे तो आप वीडियो को पहले पूरा देखिएगा, आप जल्दी से शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बुला लो और जल्दी से यहां पर बने रहो आप वीडियो में। देखो आप हम लोग पहले ये भी आप जान लो कि देखिए हमारे ऑनलाइन ऐप पर, आप स्टडी 91 प्रो ऐप पर जाओगे तो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो यहां पर कि यहां पर बुक्स, दो बुक्स लॉन्च की गई हैं, एक प्रैक्टिस सेट है और एक आपका सामान्य अध्ययन है। कुछ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज भी यहां पर मिलेंगे। सो आप देखो कुछ जरा पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, राइट, डाइस का कुछ बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, राइट। देखो आप, अगर हम डाइस की बात करें, यानी अगर हम पासा की बात कर रहे हो, देखो आप डाइस, डाइस को आप बोलते हो पाशा। क्या बोलते हो आप? पाशा। तो भाई पासा आप सभी ने देखा होगा, तो आप ध्यान रखो अगर आपने पासा देखा है तो पासा में जो फेसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। फेस बोले तो सतह। अब देखो एक पिक्चर में बना देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का आप देखो पासा दिखता है। तो पासा कुछ इस तरीके का दिखेगा, राइट, कैसा दिखेगा? कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा ये डाइस, ऐसा कुछ आपको विजिबल होगा, ठीक है। अब आप देखो, आप कहोगे सर इसमें तो केवल केवल 3 सतह ही दिख रही है, 6 तो नहीं दिख रही है। बट यहां पर ध्यान रखो, यहां पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान रखो। अब मेरे पास डाइस नहीं है तो मैं आपको दिखाता, फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप जहां भी हो आसपास, आप जरा देखिए आप पास कोई डाइस हो। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लूडो का, हमने थंबनेल में लूडो लगाया हुआ था, ठीक है। लूडो उसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप एक लूडो लीजिए और उसकी, मैं कहूंगा आप फोटो खींचो, ठीक है। आप जब उसके फोटो खींचोगे तो मैक्सिमम आपके फोटो में कितने फेस कैप्चर होंगे, तो ध्यान रखोगे ज्यादा से ज्यादा उसमें 3 ही फेस आ सकते हैं, 3 से ज्यादा फेस उसमें कैप्चर नहीं होंगे। तो ध्यान रखना यहां पर भी 3 फेस का यहां पर डाइस बनाया जाता है। और ये जो डाइस है वो एक क्लोज डाइस है, इसका मतलब डाइस को ओपन भी किया जा सकता है। डाइस को क्या किया जा सकता है? ओपन भी किया जा सकता है। तो आप देखो ओपन डाइस कैसा दिखेगा, एक ही एग्जांपल में यहां पर ले रहा हूं, ठीक है। तो ओपन डाइस कुछ ऐसा दिखेगा। इसके अलावा भी ओपन डाइस बनते हैं, अलग अलग तरीके के ओपन डाइस बनते हैं। तो आप ध्यान देखोगे कि ये डाइस आपका कैसा दिख रहा है, तो ये क्लोज दिख रहा है, और ये कैसा है, तो ये डाइस आपका ओपन है, ठीक है। तो अब हम इससे परिचित हो गए हैं कि डाइस कैसा दिख रहा होगा। तो एक क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस मैंने बनाया। अब जरा समझ लो कि डाइस के अंदर क्या होता है, ठीक है। आपने जैसा कि लूडो देखा है, लूडो के फेस पर क्या बने होते हैं? पॉइंट बने होते हैं, कुछ पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट तक होता है, क्योंकि उसमें फेस भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो डाइस बनने वाला है उस पर नंबर हो सकते हैं, लेटर हो सकते हैं, कुछ सिंबल हो सकते हैं या वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। बट यहां समझो किसमें क्या हो सकता है, यह जानना जरूरी है। अब ध्यान रखो कि क्वेश्चन के जो टाइप होते हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन यहां पर बनेंगे। अब जैसा कि देखो, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड डाइस। पहला क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस बोले तो मानक पाशा। ये क्या है? ये मानक पाशा है। कैसा है? मानक पाशा, मानक पाशा, राइट। अब पहले मानक पाशा आप समझ लो, फिर हम अमानक पाशा या जनरल डाइस की हम बात करेंगे, यानी नॉन स्टैंडर्ड की बात करेंगे। देखो मानक पाशा में क्या होता है, पहली बात तो इसमें नंबर यूज किए जाते हैं। क्या यूज किए जाएंगे? नंबर, ठीक है। और अगर देखो इसमें लेटर नथिंग के बराबर कभी देखने को नहीं मिला, तो इसमें केवल नंबर मिलेंगे। वो भी नंबर कैसे मिलेंगे? तो 1 से लेकर 6 तक। आप बोलोगे क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें दो अपोजिट फेस का जो सम होता है, ठीक है, दो अपोजिट फेस का जो सम होता है वो 7 होता है। अब आप कहोगे दो अपोजिट फेस का सम मतलब उसके विपरीत सतह पर, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो कि इधर मैं एक एग्जांपल ले लूं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो एग्जांपल ले लेता हूं, ज्यादा समझ आ जाएगा।
दो विपरीत सतह पर जो भी नंबर उनके होंगे उसका सम यानी उसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। देखो जैसे मान लो कि यहां पर 1 है, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है। इसका मतलब है कि इसके विपरीत में क्या होगा, इसके विपरीत में आपका होगा 4, और इसके विपरीत में क्या होगा तो इसके विपरीत में होगा 6, और इसके विपरीत में क्या होगा तो इसके विपरीत में होगा 5। यानी दो विपरीत सतह को जोड़ोगे तो 7 आएगा। ठीक है, सिंपल आपको समझना है। मतलब एक में आप 6 जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दो में आपने 5 जोड़ दिया तो भी क्या आ गया, 7 आ गया। तीन में आपने 4 जोड़ दिया तो भी क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात हमको समझनी है, राइट, कि यहां पर दो विपरीत सतह को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब जरा समझो नॉन स्टैंडर्ड डाइस का क्या है। ठीक है, तो नॉन स्टैंडर्ड को भी समझ लो आप। ठीक है, किसको, नॉन स्टैंडर्ड इसको हम लोग अमानक पाशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमानक पाशा, अमानक पाशा, या इसको सामान्य पाशा भी बोला जाता है। तो अभी मैंने लिखा अमानक पाशा। ठीक है, अब आप देखो इसमें समझो आप, अगर दो विपरीत सतह को जोड़ने पर 7 आएगा, ठीक है, तो वो हो गया मानक। इसका मतलब है कि ध्यान रखो, यहां पर जरा मैं एग्जांपल ले लूं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। एक बात और है, अगर इसमें नंबर यूज किया गया, ध्यान रखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें ध्यान रखो, इसमें नंबर भी होते हैं, ठीक है, इसमें लेटर भी होगा, इसमें सिंबल भी होगा, सिंबल्स भी होंगे, और इसके अंदर ध्यान रखना वर्ड्स भी होंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ भी पॉसिबल है, बट अभी खास करके मैं नंबर की बात करूंगा। ध्यान रखो, अगर नंबर 1 से 6 तक इसमें यूज किया गया, वैसे नंबर इसमें 0 to 9 भी यूज किया जाता है, लेटर इसमें ए से लेकर के एफ नहीं, A to Z भी यूज किया जाता है, लेकिन A से F तक ज्यादा यूज किया जाता है। सिंबल तो कोई भी हो सकता है, वर्ड्स भी कोई भी हो सकता है। अब जरा सोचो कि भाई अगर ध्यान रखना, यहां पर इधर 3 ले लिया, ठीक है, इधर 2 ले लिया और इधर 5 ले लिया। सिंपल आप समझना, यहां पर अगर दो अपोजिट फेस का सम 7 होगा तो इसका मतलब यह है कि नॉन स्टैंडर्डाइज यानी अमानक पाशा में जो आसपास की सतहें होंगी उसको जोड़ने पर 7 आ जाएगा। किसमें, अमानक पाशा में, आसपास की, ध्यान रखना कहां की, आसपास की। ये खास करके कुछ ही क्वेश्चन में होता है, मैं आपको क्वेश्चन वैसा पुटअप कर दूंगा। ठीक है, अब आप ध्यान देना, जैसे मैंने यहां पर लिखा है 5 और 2 कितना है, 7 है। ठीक है, 5 और 2 कितना है, 7। जब ये सिंगल डाइस में पूछा जाता है तब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, हम अभी क्वेश्चन पर बात कर लेंगे। तो यहां पर जो आसपास का सतह है, जो दो एडजेसेंट फेस होगा, 2 adjacent face, उसका आप ध्यान रखना, हमने यहां पर आसपास लिखा है। क्या लिखा, आसपास की जो सतहें हैं, दो सटी हुई सतहें हैं, उसका सम आपको 7 देखने को मिल सकता है, लेकिन उसमें कोई एक ही का मिल सकता है, ध्यान रखना। अब इन दोनों का सम तो 7 है नहीं, इसमें एक का मिल सकता है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना, जैसे यहां 2 था और उसका सम, अब 2 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7, ये कहीं एक हो सकता है। ये पहचानने का तरीका है। ठीक है, अच्छा, अब जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब इसके अंदर लेटर भी यूज किए जाएंगे और लेटर वाले में ये चीज अप्लाई नहीं होगा, ना तो वर्ड्स में अप्लाई होगा ना ही नंबर्स में। ये मैंने मानक अमानक पाशा का डिफरेंस थोड़ा मैंने आपको समझाया, और कुछ नहीं। अब जरा देखो इस पर क्वेश्चन क्या बनते हैं। ठीक है, इस पर देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहां पर हमने लिया है, देखो आप, पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पहले आराम से आप पढ़ लो। लिखा हुआ है कि नीचे एक पासे की एक स्थिति दी गई है, पासे की एक स्थिति, ध्यान रखिएगा, ये पासे की एक स्थिति दी गई है। अब कह रहा है कि जिस पर 1 से 6 तक के अंक दिए गए, हमने बोला था कि अंक दिया जाएगा 1 से 6 तक। ठीक है, अब कह रहा है कि पासे के अध्ययन कीजिए और बताइए कि निचली सतह पर कौन सा अंक होगा, निचली सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आप ध्यान दो, जब ये सिंगल डाइस ऐसे आपको मिल जाए, ठीक है, एक ही आपको यहां पर स्थिति मिल जाए, यानी एक पिक्चर आपको मिल जाए, तो एक पिक्चर में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सिंपल ये देखना है कहीं इनमें कोई ऐसा तो नहीं है नंबर जिनको दो नंबरों को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो भाई किसी दो नंबर को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा है,
मतलब ये कौन सा डाइस है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, ये मानक पासा है। मानक है तो इसका मतलब क्या है, तो निचली सतह पर कौन आएगा, तो पहले देखो ऊपरी सतह पर कौन है, तो ऊपरी सतह पर आपको कौन दिख रहा है, तो ऊपरी सतह पर आपको दिख रहा है पांच, तो निचली सतह पर कौन होगा, तो दो होगा, ठीक है, कौन होगा तो दो होगा। ये कौन सा पासा है भाई, तो मानक पासा है। कौन सा पासा है, मानक पासा है, तो पांच में सॉरी पांच में दो जोड़ोगे तो सात आएगा, इसलिए नीचे क्या आना चाहिए, दो आना चाहिए, राइट। चलो दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ, तो दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो एक से छह तक के अंक दिए गए हैं, कहां तक, एक से छह तक के अंक दिए गए हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो चार के विपरीत सतह हमें बताना है, क्या किन्हीं दो फेस को जोड़ने पर, आसपास के फेस को जोड़ने पर सात आ रहा है क्या, तो देखो इन दोनों को जोड़ने पर सात आ रहा है, इसका मतलब है कि ये जो पासा है वो कौन सा है, अमानक है। कौन सा है, अमानक है, नॉन स्टैंडर्डाइज है, राइट, यानी सामान्य पासा है। अब आप ध्यान रखो यहां पर, क्या इसके विपरीत हम कुछ बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको वहां नहीं बताया, क्योंकि अभी यहां टेस्ट करना था। देखो आप, अब यहां पर पूछा गया कि चार के विपरीत क्या होगा, अब चार के विपरीत क्या होगा, ध्यान रखो, अब ऐसे जरा समझना। अब इसमें एक से छह तक का है, एक दो तीन चार पांच और छह, अच्छा जो एक दूसरे के आसपास होते हैं ना, वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के आसपास वाले एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। अब ये इसलिए नहीं हो सकते हैं कि जब आप अपना एक लूडो लेकर के, ठीक है, आप जब पिक्चर खींचोगे तो देखोगे एक पिक्चर के अंदर आमने सामने वाले तो नहीं आएंगे, राइट, आमने सामने वाले नहीं आएंगे, मतलब चार के विपरीत में कभी तीन नहीं हो सकता, और चार के विपरीत में ना ही दो हो सकता है, ठीक है, और चार के विपरीत में खुद चार तो होगा नहीं, तो क्या हो सकता है भाई, देखो या तो एक होगा, या तो पांच होगा, और या तो छह होगा, एक पांच छह की संभावना है, ठीक है, तो क्या एक पांच छह यहां पर कहीं दिया गया है, एक पांच छह, देखो पांच तो दिया गया तो केवल पांच तो आंसर करोगे नहीं आप, ठीक है, एक भी दिया गया तो एक पांच छह होना चाहिए, तो यहां पर नहीं है, तब आप आंसर क्या करोगे, निर्धारित नहीं कर सकते हैं, आप निर्धारित नहीं कर सकते हो कि आंसर क्या आएगा, कांट बी डिटरमाइंड, राइट, कांट बी डिटरमाइंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बहुत आराम से आप देखिएगा, ठीक है, अभी जब आप पूरा पूरा देख लोगे तो आप देखोगे कि आपके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा। आप देखो, आप आगे देखो, एक से छह तक फिर लिया गया और दो के विपरीत पूछा गया, दो के विपरीत पूछा गया, अब आपको केवल इतना देखना है, सिंगल है, एक सिंगल स्थिति दी गई है, तो आपको चेक करना है क्या आसपास का जो सतह है उसको जोड़ने पर सात तो नहीं आ रहा है, अगर आसपास की सतह जोड़ने पर सात आ जाए तो विपरीत जोड़ने पर सात तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये कौन सा डाइस है भाई, तो ये है अमानक पासा, अमानक पासा है, राइट, आसपास का जोड़ोगे सात आ गया तो अमानक है, विपरीत को जोड़ोगे सात आ गया तो मानक है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहां पर एक बात यहां पर आपको ध्यान रखना है, देखो मानक वाले में आपको बहुत क्लियरली समझ लेना है कि मानक में दो अपोजिट फेस को जोड़ने पर सात आता है, अमानक जो दिया गया है इसमें ये जो दिख रहे हैं उसमें से किसी भी दो जोड़ने पर सात आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब यहां पर क्या पूछा है भाई, पूछा है दो के विपरीत, तो ध्यान रखना दो के विपरीत क्या हो सकता है, तो एक से लेकर के कितने तक है, तो छह तक है, एक दो तीन चार पांच छह, तो ध्यान रखना दो के विपरीत दो तो होगा नहीं, छह भी नहीं होगा और पांच भी नहीं होगा, क्या होगा, एक तीन चार, अगर एक तीन चार का ऑप्शन है या करके तो आंसर आएगा, या तो एक या तो तीन या तो चार, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो हम कांट बी डिटरमाइन आंसर करते, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें ध्यान रखो, कह रहा है छह के विपरीत कौन सा अंक होगा, किसके विपरीत, तो छह के विपरीत बोल रहा है। अब ध्यान रखो छह के विपरीत अंक आपसे पूछ रहा है, अब देख लो भाई, जोड़ने पर सात आ गया, मतलब अमानक पासा है, और अमानक पासा है तो ध्यान रखो छह के विपरीत कौन होगा, तो भाई देखो छह पांच और एक तो नहीं होगा, छह पांच एक तो नहीं होगा, तो बचा कौन, बच गया है दो, राइट, और तीन और चार, या तो दो या तो तीन या तो चार, दो तीन चार ऑप्शन में है क्या, तो नहीं है भाई, नहीं है तो आंसर क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब जरा ध्यान देना, एक पासे की दो स्थिति यहां पर दिख रही होगी आपको, मतलब ये अब ध्यान रखो मानक पासा करना बहुत आसान है इसलिए वो बहुत कम पूछा जाता है, इसलिए हमने सिंगल सिंगल एक स्थिति वाले क्वेश्चन इसलिए दिए थे कि मानक अमानक को पहचानो, कभी मानक वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ले जाओ। लेकिन अभी ये जो दो स्थिति दिख रही है ऐसे में मानक पासा नथिंग के बराबर पूछता है, ये अमानक पासा ही पूछा जाता है। अब यहां पर सिंपल, यहां पर ध्यान रखना, यहां पर सिंपल ध्यान रखना, हमने आपको बोला था अमानक पासा यानी नॉन स्टैंडर्डाइज, किसकी नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज, थोड़ी सी कुछ बात और समझ लो ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज में ये मान लो आपको दिख रहा है, ठीक है ये दिख रहा है, अब यहां पर हमने एक दिया, यहां पे दो दे दिया और यहां पर पांच दे दिया, ठीक है एक दो पांच हमने दे दिया। अब हमने कहा कि भाई एक बात बताओ, ये पांच के विपरीत क्या होगा ये मुझे बताओ, ठीक है क्या पूछा हमने, पांच के विपरीत क्या होगा ये मुझे बताओ। अब आप ध्यान देना ये अमानक पासा है तो आप इसमें श्योर तो नहीं होगे, बट फिर भी अगर बताना होगा तो फिर कैसे आंसर करेंगे, तो ध्यान रखिएगा ये सिंपल ठीक उसी तरीके का है जैसे हम एक बात बोले आपको, हम कहेंगे भैया आप देखो मैंने एक पर्सन की आपको पिक्चर दिखाई और आप उसको पहचान नहीं पाए, ठीक है क्यों नहीं पहचान पाए कि फोटो में कोई प्रॉब्लम रही होगी नहीं पहचान पाए। अब आप कहोगे भैया आप इसकी दूसरी पिक्चर दो हमको, ठीक है तो हमने एक दूसरी भी पिक्चर दी उसकी, आपने दोनों को कंपेयर किया फिर आप पहचान गए, तो सेम उसी तरीके से इसको भी हमें करना है, एक पासे की दो पिक्चर हमको चाहिए मिनिमम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, नॉन स्टैंडर्ड वाले को एक पासे की मिनिमम दो पिक्चर चाहिए। अब इसलिए जो हमने क्वेश्चन अभी दिखाया था एक पासे की दो स्थिति वहां पर दी गई, दो स्थिति मतलब दो पिक्चर थी थोड़ा अलग अलग स्थिति में, ठीक है। अब यहां पर एक चीज की और पॉसिबिलिटी रखो आप, अगर एक पासे की दो पिक्चर रहेगी तो मोस्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि कितनी सतहें उसमें कॉमन आ जाएंगी, तो ज्यादा पॉसिबिलिटी है या तो भाई कोई सतह कॉमन नहीं होगी, या तो दो कॉमन होगी, या तो एक कॉमन होगी, या तो दो कॉमन होगी, या तो तीन कॉमन होगी। ध्यान रखना अगर तीनों कॉमन होगी तो वो दोनों पिक्चर सेम है तो तीन वाले को तो हटा ही दो, या तो जीरो होगी, या तो एक होगी, या तो दो होगी। इसमें से मैं अभी जीरो वाले को भी हटा देता हूं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस पर पूछे जाएंगे, एक और दो पर। तो ये दो सवाल हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहले, और इन दो सवालों को अगर आप कर ले गए तो समझो डाइस का 99% क्वेश्चन आप यूं ही सॉल्व कर दोगे। तो इन दो क्वेश्चन पर बने रहिए और जल्दी से आप शेयर कर दो अपने दोस्तों को, ठीक है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इसमें आपको डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। अब आप देखो कैसे करना है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको दो क्वेश्चन देने वाले हैं, ध्यान रखना। पहला वो है जिसमें एक सतह कॉमन होगी, कितनी सतह, तो एक सतह कॉमन, एक सतह कॉमन, एक सतह क्या होगी, कॉमन होगी, ठीक है एक सतह कॉमन होगी, मैनी वन फेस कॉमन, राइट। दूसरा जो हम क्वेश्चन आपको देंगे उसमें टू फेस कॉमन होगा, क्या होगा, टू फेस कॉमन होगा, यानी दो सतह समान होगी, समान बोलते हैं राइट, दो सतह समान होगी, यहां भी कॉमन को मैं समान लिख देता हूं, यानी यहां पर ध्यान रखना वन फेस कॉमन या एक सतह समान, अब जरा समझिए ये हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। अब मान लो ये हमने एक क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है, अब मैं इसमें नंबर नहीं यूज करूंगा, ठीक है, मैंने लिखा ए बी सी, राइट, यहां पर ये दूसरा दिया हमने, ठीक है, ये जस्ट आपको समझने के लिए है तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। आप देखो इसमें हमने जो दिया वो हमने दिया ए डी और ई, राइट, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो एक आपको कॉमन दिख जाएगा, एक क्या दिख जाएगा, कॉमन, कॉमन क्या है, तो भाई इसमें कॉमन है एक, एक सतह आपको कॉमन है, सतह बोलो या सरफेस बोलो या फेस बोलो सब एक ही बात है, ठीक है। तो एक सतह इन दोनों में क्या है, समान दिख रही है,
एक सतह क्या है, समान है, ठीक है। अच्छा तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन या तो ऐसा मिलेगा, या तो क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा, या तो दो सतह का समान वाला मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा, दो सतह समान होगा, ठीक है। तो अभी इधर मैंने लिख दिया ए बी सी, फिर लिखा ए बी डी, ठीक है। तो आप देखोगे तो इसमें दो सतह आपको समान मिलेगा, तो दो सतह कौन कौन सा समान है, तो ध्यान रखो एबी और एबी, इन दोनों में क्या है, दोनों सतह समान दिख रही है, राइट। एबी एबी दोनों सतह क्या है, समान है। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं ये हम समझते हैं जरा, क्वेश्चन क्या बनते हैं ये जरा समझते हैं। देखो सिंपल आप समझना, इसमें आप समझो जब एक सतह समान है, अब मैं कहूं कि भाई देखो इसमें जो लेटर यूज किए गए ना वो ए से लेकर के एफ तक प्रयोग में लाए गए हैं इसमें, ठीक है। इसमें भी सेम मैं लिख देता हूं ताकि आसानी होगी, ए से लेकर के एफ तक इसके अंदर हमने क्या लिया है, ए से लेकर के एफ तक के हमने लेटर लिए हैं। तो पहले इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा आप धैर्य बना लो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखो आप, अब आप देखो सिंपल आप यूं समझो, ठीक है, कि दोनों में कौन है, एक समान है, एक कॉमन सतह है, एक क्या है, एक कॉमन सतह। तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, एक कैसी है, कॉमन सतह है, राइट, एक कैसी है, कॉमन। अब ध्यान रखिएगा कि हमने ए से एफ तक के लेटर लिए हैं, तो हमने लिखा ए बी सी डी ई और एफ। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने कहा था एक बात बताओ कि जो ये तीनों दिख रहे हैं वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होते, राइट। तो ए के विपरीत कभी बी नहीं हो सकता, ए तो खुद भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा। अब देखो इसमें भी दोनों तो एक ही पिक्चर की, एक ही डाइस की दो अलग अलग पिक्चरें हैं, ठीक है। तो ए के विपरीत डी भी नहीं होगा और ए के विपरीत ई भी नहीं होगा, तो बचा कौन, एफ। इसका मतलब ए के विपरीत कौन होगा, एफ होगा, ठीक है। ए के विपरीत क्या होगा, एफ होगा। अच्छा क्या एफ इन दोनों में दिख रहा है, तो एफ इन दोनों में नहीं दिख रहा है। तो अब ध्यान रखना, जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, जो सतह नहीं दिख रही वो मुझे लिखना चाहिए, बट मैंने लिखा है जो नहीं दिख रहा है वो किसके विपरीत होगा, तो वो कॉमन वाले के विपरीत होगा। ध्यान रखना किसके विपरीत होगा, तो जो कॉमन होगा उसके विपरीत होगा, यानी जो समान होगा उसके विपरीत होगा। अब जो नहीं दिख रहा है उसको हम बोलेंगे हिडन, वो क्या है, तो वो हिडन है, वो क्या है, वो हिडन है। कॉमन के विपरीत कौन होगा, हिडन होगा। तो देखो इन दोनों में कहीं भी एफ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब वो हिडन है। तो एक बात, ये नियम आपको याद रखना है, ये रूल्स आपको याद रखना है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, हम लोग एक घड़ी के सुई की दिशा, घड़ी के सुई की विपरीत दिशा याद रख ले, ठीक है। घड़ी कैसे चलती है भाई, समझो, तो घड़ी ऐसे चलती है, ठीक है, ये मान लो घड़ी है, ठीक है, तो घड़ी ऐसे चलेगी। इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। इसकी विपरीत दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो आप उसके लेफ्ट राइट भी याद रख सकते हो, बट वो आप गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो एक एक क्लॉकवाइज पर कौन मिल रहा है आपको, तो सी मिल रहा है एक पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में एक एक क्लॉकवाइज पर कौन मिल रहा है, तो ई मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि सी के विपरीत में कौन होगा, ई होगा, ठीक है, सी के विपरीत में कौन होगा, ई होगा। यानी जो कॉमन है उसके क्लॉकवाइज वाले एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो मैं इधर लिख लेता हूं, कॉमन का क्लॉकवाइज एक दूसरे के विपरीत होता है, कॉमन का क्लॉकवाइज एक दूसरे के विपरीत होता है। आप अपनी भाषा में लिख लेना डिटेल में। अब यहीं से एक बात और निकल के आई कि कॉमन का एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे के विपरीत होता है, कॉमन का एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा, कॉमन का एंटी क्लॉकवाइज, राइट, कॉमन का एंटी क्लॉकवाइज भी एक दूसरे के क्या होगा, विपरीत होगा। ये तीन नियम आपको याद रखने हैं। अब यहां हमको पता चल गया, देखो ए का क्लॉकवाइज ये है, ए का एंटी क्लॉकवाइज ये है, इतनी बात तो आपको पता होनी चाहिए। अब यहां हमने क्या निकाला, हमने निकाला कि भाई ए के विपरीत कौन होगा, तो एफ होगा, सी के विपरीत कौन होगा, तो ध्यान रखो ई होगा, बी के विपरीत कौन होगा, तो डी होगा, ठीक है। यहां से हमने ये निकाला, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इधर ध्यान रखना।
अब इस पर आ जाओ, इस पर एक सिंपल सा याद रखना है आपको कि जब दो सतह समान हो तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के क्या होता है, विपरीत होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है, राइट, एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। तो सी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डी। बट फिलहाल मान लो कि कभी आपसे ये पूछ ले कि भाई ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत पूछेगा तो ए तो इन दोनों में कॉमन है, तो नियम वन लगाओ आप। कौन सा नियम लगाना है, ये नियम वन आप लगा लो इसमें, ठीक है, ये आप ये नियम लगा लो, ये वाला, ठीक है, कि ध्यान रखो अब एक दोनों में कॉमन है तो उसके विपरीत वो होगा जो इनमें दिख नहीं रहा है। कौन नहीं दिख रहा है इनमें, अगर मान लो ए के विपरीत पूछ लिया जाए तो क्या होगा, अभी तो ए के विपरीत पूछ लिया जाए तो क्या होगा, देखो आप, अगर ए के विपरीत पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो ए के विपरीत क्या होगा, आप ऐसे ही समझो कि मान, अब इसमें लेटर कौन से हैं, ए से एफ तक यूज किए गए, मैं फॉर एग्जांपल दे रहा हूं यहां पर, ध्यान रखिएगा। अब ए के विपरीत ए तो होगा नहीं, ध्यान रखो, अच्छा मैंने यहां पर रखा बी सी डी ई और एफ, तो इनमें से कौन हो सकता है, तो देखो ए के विपरीत कभी बी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, यहां डी भी नहीं हो सकता, तो कौन होगा, या तो ई होगा या तो एफ होगा, ठीक है, या तो ई होगा या तो एफ होगा। सेम ऐसे बी के लिए भी होगा, बी के विपरीत भी क्या हो सकता है, या तो ई होगा या तो एफ होगा, ठीक है, इधर ई और एफ होगा। और जैसा कि आपको पता ही चल गया है कि सी के विपरीत कौन है, तो सी के विपरीत यहां पर डी है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ये तीन नियम याद रखने हैं, कभी भी कोई डाउट्स नहीं आएगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो एक बार वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है। चलो आ जाओ अभी क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और उन क्वेश्चन में हम रिकॉल करेंगे, ध्यान रखना क्या रिकॉल करने वाले हैं, हम रिकॉल ये करेंगे सबसे पहले कि वन फेस कॉमन या टू फेस कॉमन, ठीक है। देखो तरीका समझो कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पासे की दो प्रारूपों को दर्शाया गया, दो प्रारूप दर्शाने का मतलब यह है, दो प्रारूप दर्शाने का मतलब यह है कि ध्यान रखना ये दो पिक्चर है एक ही पासे की, पिक्चर वन एंड पिक्चर टू। तो सबसे पहले हमें सोचना है कि इसमें पूछा क्या है, पूछा है तीन के विपरीत क्या होगा, तो सबसे पहले देखना कि इसमें तीन है कि नहीं है, सबसे पहला स्टेप वन कि जो पूछा है वो इसमें है कि नहीं है, तो भाई है, इसमें तीन है। अब स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप टू में हमें ध्यान देना इसमें कितने कॉमन है, वन कॉमन कि टू कॉमन, वन कॉमन कि टू कॉमन, यही ध्यान रखना है, कितने कॉमन है भाई, तो ध्यान रखो इसमें केवल केवल वन कॉमन है, कौन कॉमन है, तो वन, ध्यान रखो वन कॉमन है, वन वन कॉमन, राइट, वन फेस कॉमन, तो वन फेस कॉमन है। तो अब ध्यान रखो वन फेस कॉमन है तो तुरंत आपके दिमाग में वो तीन नियम आने चाहिए वन कॉमन वाले। अब यहां ध्यान देना जो एक कॉमन है उसके किस तरफ हमको तीन दिख रहा है, भाई एंटी क्लॉकवाइज पर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज पर, तो इसके एंटी क्लॉकवाइज जाओ आपको आंसर मिल जाएगा, इसके एंटी क्लॉक पर जाओ आंसर मिल जाएगा, मतलब तीन के विपरीत कौन आएगा, दो, तो तीन के विपरीत कौन आएगा, तीन के विपरीत, तो तीन के विपरीत आ गया दो, आंसर क्या हो गया, तो आंसर हो गया दो, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अभी जैसे आप 10 क्वेश्चन करोगे ना आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाएगा, समझो आप, ठीक है, आपके दिमाग में भी बैठ जाने वाला है ये। देखो आगे देखिए क्वेश्चन इस पर आते हैं, इसमें पूछ रहा है दो अंक के विपरीत। अब एक बात और आप दिमाग में रख लो, ये भी मैं बताई देता हूं, आप देखो विपरीत पूछे, ऊपर पूछे, नीचे पूछे, बाएं पूछे, दाएं पूछे, सब बात एक ही है, ठीक है। देखो आप दो के विपरीत पूछ रहा है तो सबसे पहले हमें दो को ढूंढना है, इन दोनों में दो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो भाई दो हमको मिल गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, हमें देखना इसमें कितने एलिमेंट कॉमन है, एलिमेंट बोले तो तत्व, यानी कितने इसमें यहां पर नंबर कॉमन आपको दिख रहे हैं, कितने फेस कॉमन दिख रहे हैं, कितने तत्व कॉमन दिख रहे हैं। तो कॉमन हमको कौन मिला, तो तीन मिल गया, कौन मिल गया, तीन। अब स्टेप थ्री में जाना है और देखना है कि इस तीन के किस तरफ दो है, और जिस तरफ दो होगा उसी तरफ इस तीन से आपको आगे बढ़ना है, आपको आंसर मिल जाएगा, यानी आंसर क्या हो गया, यहां पर आंसर हो गया पांच। तो भाई तीन के विपरीत में क्या होगा, पांच हो गया, राइट, तीन के विपरीत में क्या होगा, पांच। नेक्स्ट में आ जाओ, हाँ आगे क्या कह रहा है, का के विपरीत पूछ रहा है, किसके, का के विपरीत, तो सबसे पहले का को ढूंढो, इसमें का मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है।
अब स्टेप टू क्या करना है भाई, कितने कॉमन, वन कॉमन की टू कॉमन, तो ध्यान रखो इसमें कौन कॉमन दिख रहा भाई, ये गा हमको कॉमन दिख गया और घा भी कॉमन दिख गया, मतलब दो दो एलिमेंट कॉमन है। कितने एलिमेंट कॉमन है, दो दो एलिमेंट कॉमन है। जब दो एलिमेंट कॉमन होते हैं तो जो बचता है वो एक दूसरे के क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। इसका मतलब यह है कि का के अपोजिट क्या होगा, का के विपरीत क्या होगा, खा होगा। देखो का के विपरीत क्या होगा, का के विपरीत क्या हो गया, खा हो गया। ठीक है, चलो आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है देखो, यफ के विपरीत क्या होगा। क्या पूछा आपसे कि यफ के विपरीत क्या होगा, सबसे पहले ढूंढो इसमें यफ है कि नहीं, तो है यफ भाई, मिल गया हमको। अब यफ मिल गया, स्टेप टू में क्या करना है, दूसरे चरण में हमको क्या करना है, दूसरे चरण में ढूंढना है इसमें कितने सतह कॉमन है, कितने सतह समान है। तो ध्यान रखो ए बी और ए बी दो सतह समान है। जब दो सतह समान होता है तो जो बच जाता है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। एक दूसरे के विपरीत है यानी सी के विपरीत क्या है, यफ है। तो सी के विपरीत क्या है, यफ है। क्या पूछा था, यफ के विपरीत, तो यफ के विपरीत क्या होगा, सी होगा। यफ के विपरीत क्या होगा, सी होगा। राइट, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ध्यान देना, यहां पर क्या पूछ रहा है भाई, चार अंक के विपरीत क्या होगा, अंक चार के विपरीत क्या है, अंक चार के विपरीत क्या है। ध्यान रखो इसमें चार है कि नहीं है, तो भाई चार हमको यहां मिल रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, कितनी सतह समान है, तो भाई दो सतह समान है। अगर दो सतह समान है तो चार के विपरीत कौन होगा, तो पांच होगा। चार के विपरीत क्या होगा, पांच होगा। अब आप आंसर बिल्कुल आराम से दे सकते हो, क्वेश्चन आएगा आप विद इन सेकेंड उड़ा दोगे, गारंटी है। आप देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप क्या कर क्या करोगे, आप विद इन सेकेंड कर दोगे। अब देखो तीन के विपरीत पूछ रहा है, तो देखो इसमें तीन के विपरीत पूछ रहा है, तो तीन है यहां पर, तीन है यहां पर। कितने समान है, तो भाई देखो दो और एक हमको समान मिल गए, तो तीन के विपरीत क्या होगा, चार होगा। तीन के विपरीत क्या होगा, चार होगा। तो चार है क्या इसमें, बिल्कुल है, आंसर हो गया। तीन के विपरीत चार, यहां पर क्या हो गया, आंसर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये दिया हुआ है लाल पीला हरा नीला काला और सफेद, और क्या पूछ रहा है आपसे, तो कह रहा है कि सतह का रंग काला है तो उसके विपरीत सतह का रंग क्या है, फिर विपरीत यहां पर पूछ रहा है। अब ध्यान रखो ये वर्ड्स पे बेस्ड है, किस पर, वर्ड्स पर बेस्ड। सेम हमें सोचना है कि इसमें काला है कहां पर, काला कहीं दिख रहा है किसी को, नहीं दिख रहा है। क्या हो रहा है, काला नहीं दिख रहा है, काला नहीं दिख रहा है, काला नहीं दिख रहा है। आप जरा याद करो मैंने कहीं लिखा था इसके पहले कि नहीं दिख रहा है, मैंने लिखा था नहीं दिख रहा है के विपरीत कौन होगा, जो कॉमन होगा। कौन होगा, जो कॉमन होगा, जो समान होगा। कौन होगा, जो समान होगा। अब ध्यान रखो इनमें समान कौन है, इन दोनों में कौन समान है, कौन आपके, आपको इसमें कॉमन दिख रहा है, तो भाई आप कहोगे सर पीला इन दोनों में समान है, और कोई है क्या, नहीं नीला नहीं है, लाल नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर पीला हो जाएगा। कहां है पीला, ये है, आंसर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। इतना आसान सवाल है। चलो भाई नेक्स्ट पर आ जाओ। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि इस पासे के दो प्रारूप नीचे दिए गए हैं, और ये जो एक सिंबल दिया गया, ये सिंबल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इस सिंबल के विपरीत फलक पर कौन होगा, यही हमसे पूछ रहा है। तो सिंबल के विपरीत फलक पर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो अब बताओ मुझे कि ये वाला जो सिंबल है, जो ये प्रतीक है, ये प्रतीक इसमें दिख रहा है क्या, तो भाई आप कहोगे नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है तो किसको ढूंढना है, कॉमन को ढूंढना है। कॉमन कौन है इसमें, बताओ भाई, कॉमन है एट द रेट, कॉमन कौन है, एट द रेट कॉमन है। तो आंसर भी क्या होगा, एट द रेट होगा। राइट, आंसर क्या हो जाएगा, एट द रेट होगा। बिल्कुल आप स्टेप को फॉलो करिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे उस स्टेप को फॉलो करो, वैसे करो। अगर इसके पहले आपने डाइस कभी नहीं पढ़ी है ना, तो 100% गारंटी है आप तब भी यहां पर क्वेश्चन विद इन सेकेंड कर पाओगे। ध्यान रखो अब देखो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चार अंक के विपरीत पूछ रहा है आपसे। क्या पूछा है, चार अंक के विपरीत पूछा है, तो चार इसमें दिखा क्या, तो नहीं दिखा। अब नहीं दिख रहा है तो उसके विपरीत क्या होगा, तो उसके विपरीत कौन होगा, जो इन दोनों में कॉमन हो। इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कॉमन है दो, कॉमन कौन है
दो, और कोई तो कॉमन है नहीं, तो दो कॉमन है तो आंसर भी क्या होगा, आंसर होगा आपका दो। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में कह रहा है कि नीचे एक पासे को दो प्रारूप दिए गए, दो ही प्रारूप भी दिए गए हैं। ठीक है, तो छह अंक के विपरीत हमें ढूंढना है, तो छह के विपरीत ढूंढना है। आप मुझे बताओ छह इसमें है क्या? बिल्कुल है। तो भाई देखो छह यहां भी है और छह यहां भी है, छह हमको दोनों में दिख रहा है। अब समझना है यहां पर छह किस में दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है, मतलब ये कॉमन है। जो पूछा गया वो क्या है? कॉमन है। अब उसके विपरीत अगर पूछा जाएगा तो हम आंसर कौन देंगे? जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब है हिडन। क्या होगा? हिडन होगा, जो हिडन होगा। अब आप कहोगे सर इसमें क्या हिडन है, इसमें क्या हिडन है, वो तो ऑप्शन बताएगा। मान लो एक से छह तक होगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, अब छह के विपरीत में एक तो होगा नहीं, दो भी नहीं होगा। ठीक है, छह के विपरीत में तीन भी नहीं होगा, चार भी नहीं होगा, छह तो होगा नहीं, होगा कौन? पांच होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में मिलेगा, आप आंसर क्या करोगे? पांच। देखो पांच इसमें नहीं दिख रहा है, तो वही उसका क्या हो गया? आंसर हो गया, राइट, वो उसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, नीचे एक पासे के सभी सतहों को अलग अलग रंगों से रंगा गया है। चलो ठीक है, रंग दो भाई। तो नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा? ठीक है, किस रंग का होगा? नीले के विपरीत। अब यहां पर ध्यान रखो, आप कहोगे सर अभी तक तो हमने दो किया, ठीक है, दो ही पिक्चर थी, अब पिक्चर आ गई तीन, तो अब कैसे करें? ठीक है, अब पिक्चर आ गई तीन, तो अब कैसे करें? ध्यान रखो, अगर मैं इसमें से आपको दो पिक्चर दे दूं, कितने? दो पिक्चर निकाल के दे दूं, तो जितना आपने सीखा है उसी से तो आपको करना है। इसके लिए कोई अलग नियम हमें नहीं लगाना है, सेम नियम पर हमें काम करना है। मतलब जो हमने नियम सीखे हैं उसी पर सारे क्वेश्चन करने हैं, राइट। तो देखो इसमें से हम दो पिक्चर कैसे निकालेंगे वो जानो, ये जानना जरूरी है। अब आप देखो इसमें से करना क्या है, नीले रंग के विपरीत पूछ रहा है, तो ध्यान रखना जो पूछा गया है एक पिक्चर में वो होना चाहिए और एक में नहीं होना चाहिए। मतलब ये ऐसी हमें दो पिक्चरें चाहिए, एक में वो होना चाहिए और एक में नहीं होना चाहिए। तो पहले ढूंढो नीला है किसमें। ठीक है, तो नीला इसमें है और नीला इसमें है, इन दोनों में नीला है, तो देखो कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा जिसमें नीला नहीं होगा। तो ध्यान रखो हमें उन दोनों को ग्रुप को लेना है, उन दोनों ग्रुप में से ध्यान रखिए एक एक को लेना है, जिसमें जो पूछा गया है, जिसके विपरीत वाला पूछा जा रहा है, वो एक में होगा और एक में नहीं होगा। इन दोनों में से कोई एक पिक्चर लेंगे और ये वाली पिक्चर लेंगे, कंपेयर करेंगे। एक पिक्चर हमने ये ले लिया, और ध्यान रखिएगा इन दोनों में से कोई एक पिक्चर लेंगे, और फिर अपना वही नियम लगाएंगे, वन कॉमन की टू कॉमन। ठीक है, ध्यान रखना उसी पर हमें रहना है। अब मान लो हमने दूसरी वाली जो पिक्चर ले ली, दूसरी पिक्चर वो ये ले ली, ठीक है, अभी उस पर भी हम करके देख लेंगे, दूसरी पिक्चर ये ले ली। अब यहां पर ध्यान रखो इन दोनों में फिर वही दिमाग लगाना है कि वन कॉमन की टू कॉमन, भाई कितने कॉमन है बताओ जरा, इसमें कितने कॉमन है? तो एक हमको हरा कॉमन दिख रहा है, और कोई कॉमन है क्या? पीला, तो इसमें पीला नहीं है, सफेद भाई नहीं है। अब इतना ध्यान रखो कि नीला हमको इधर दिख रहा है, तो वो हरा के किस तरफ है, वो हरा के किस तरफ है? तो हरा के क्लॉकवाइज है। किधर है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोले तो दक्षिणावर्त, राइट, किधर है? उसके क्लॉकवाइज है। तो अब उसके क्लॉकवाइज है, तो इस हरा के क्लॉकवाइज चले जाओ, कौन मिला? सफेद मिला। तो नीला का विपरीत कौन होगा? तो नीला का विपरीत होगा सफेद, नीला का विपरीत कौन होगा? सफेद होगा। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर वन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी तीन दिए गए हैं, तीन पिक्चर दिए गए हैं, ठीक है, तीन प्रारूप आपको दिख रहे हैं, इन तीनों में से एक ही डाइस की तीन अलग अलग पिक्चरें हैं। अब इन तीनों में से क्या करना है आप समझिएगा, एक अंक के विपरीत पूछा तो हमने आपको क्या बताया, याद रखो आप, हमने बताया कि एक जो यहां पर दिया गया ना, वो इनमें से जिसमें होगा एक पिक्चर वो लेनी है, और जिसमें नहीं होगा एक पिक्चर वो लेनी है। तो ध्यान रखो इसमें हमको मिल गया, ठीक है, इसमें एक मिल गया, और कहीं है क्या? एक नहीं है भाई। तो देखो एक पिक्चर को हमने ये ले लिया, अब दूसरा इन दोनों में से कोई एक ले लो, तो दूसरा हमने इसको भी ले लिया, किसको ले लिया? इसको ले लिया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखो इसको कंपेयर करो, कितने एलिमेंट कॉमन है? तो भाई इसमें टू कॉमन दिख रहा है, कौन दिख रहा है? टू मतलब है कि केवल एक ही एलिमेंट कॉमन है। इसके किस तरफ वन है?
देखो एंटी क्लॉक पर, तो दो के एंटी क्लॉक पर कौन है, फोर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फोर। अब आप कहोगे सर इसका इसके साथ कंपैरिजन कर दो क्योंकि वन इसमें है और इसमें नहीं है, तो ध्यान रखो इसमें इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें इसमें दो एलिमेंट कॉमन है, थ्री और थ्री और टू, थ्री और टू, अगर इन दोनों में दो एलिमेंट कॉमन है तो जो बचा एक दूसरे के विपरीत होगा यानी चार के विपरीत एक हो गया, तब भी आंसर वही आएगा, ध्यान रखना तब भी आंसर वही आएगा। अब भाई आप कहोगे सर यहां पर चार पिक्चर हमको मिल गई, कितनी मिल गई है, तो चार पिक्चर मिल गई। अब चार पिक्चर अगर आपको मिल गई है तो कैसे करेंगे, सेम ट्रिक है, उसके लिए कोई अलग ट्रिक हमें अप्लाई नहीं करना है, सेम ट्रिक से करना है। अब इसमें से भी हमें दो पिक्चर निकालनी है, दो पिक्चर छांटनी है, और ये क्वेश्चन विद इन सेकेंड हो जाएगा। समझो आप यहां पर छह के विपरीत पूछ रहा है तो छह किसी एक में होगा या एक से ज्यादा भी हो सकता है। देखो इसमें हमको छह दिख गया, ठीक है, और इसमें भी छह दिख गया, और ध्यान रखना इनमें और इसमें भी छह दिख गया, तो भाई इसमें से हमें कोई एक पिक्चर लेनी है और दूसरी पिक्चर ये लेनी है, ठीक है, आप कंपैरिजन कर लो, ठीक है। अब मान लो आपने क्या किया, आपने इन्हीं दोनों को ले लिया, इन्हीं दोनों को आप कंपेयर कर रहे हो, तो क्या सोचोगे, सबसे पहले सोचना है कितने एलिमेंट कॉमन है, कितने एलिमेंट कॉमन है, तो कौन कॉमन है इन दोनों में बताओ जरा, तो भाई चार कॉमन दिख रहा है, कौन कॉमन दिख रहा है, चार, तो देखो चार इसमें भी है और चार इसमें भी है, चार के किस तरफ छह है, तो चार के देखो किस तरफ छह है, तो क्लॉक वाइज पर है, यहां चार के क्लॉक वाइज पर कौन है, तो एक है, तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर आएगा एक। अब आप चाहते हो कि सर दूसरे से भी कंपेयर करके दिखाओ मुझे, तो अब देखो यहां पर मान लो एक पिक्चर ये ले लिया आपने और दूसरी पिक्चर आपने ये ले ली, एक में छह है और एक में नहीं है, ये ऐसे ही हमें लेना है, ठीक है, अपने ट्रिक पर जाना है। अब इसके अलावा भी और ट्रिक भी काम करते हैं, लेकिन एक ही टॉपिक में हमें अगर एक ही ट्रिक से सारा काम हो जा रहा है फिर 10 ट्रिक सीखने की क्या जरूरत है। तो समझो यहां पर अब आप देखो इन दोनों में हमने क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में फोर और टू ये दोनों कॉमन है। देखो अब मैं इसको जरा हटा दूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा, इसमें और इसमें एक में छह है और एक में छह नहीं है, ठीक है, तो इसमें फोर और टू दोनों कॉमन मिल गए, तो बचा कौन, छह और एक, तो छह के विपरीत क्या आ गया, एक, तब भी आंसर वही आएगा। अब ध्यान रखो इसको के साथ इसको ले लें तब भी क्या वही आंसर आएगा, तो देखते हैं भाई, देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन देखो करेक्ट होगा तो जरूर आंसर आएगा, समझना यहां पर, इन दोनों में एक में छह है और एक में नहीं है, तो अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो भाई हमको टू कॉमन दिख रहा है, टू के एंटी क्लॉक पर कौन है, वन है, टू के एंटी क्लॉक पर कौन है, छह है, तो छह के विपरीत क्या आ गया, एक आ गया, तब भी आंसर वन आया, समझ रहे हो आप, मतलब कोई भी दिमाग में संशय ना रह जाए, समझो यहां पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पर आ गए हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है थ्री डॉट्स वाले सतह के विपरीत सतह पर कितने डॉट हैं, ठीक है, बिल्कुल लूडो वाला है, ठीक है, क्या यहां पर लूडो है, पहले समझते हैं कितने डॉट हैं। तो यहां एक में यहां पर डॉट ना बना करके फोर बना दिया भाई, चलो मैं यहां पर डॉट बना देता हूं, कितने डॉट बना दिया, फोर डॉट, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम ही है, समझते हैं अभी, देखते हैं यहां पर कितने डॉट के पूछा है, तीन डॉट, ठीक है, तीन डॉट के विपरीत पूछा है, तो इसमें से पहले हमें तीन डॉट वालों को निकालना है, किसको निकालना है, थ्री डॉट वालों को, तो देखो थ्री डॉट किसमें है, तो एक इसमें थ्री डॉट मिल गया आपको, ठीक है, एक इसमें मिल गया, और किसमें मिल गया, देखो एक इसमें थ्री डॉट मिल गया, ठीक है, एक इसमें थ्री डॉट मिल गया और एक इसमें थ्री डॉट मिल गया, तो आप कंपेरिजन कर सकते हो, ठीक है, इसमें अगर कोई संशय लग रही है तो हम इसका कंपेरिजन नहीं नहीं इसी से करना पड़ेगा भाई, देखो चलो इसका कंपैरिजन अगर हम इसके साथ कर लें, राइट, इसका कंपैरिजन हम इसके साथ कर लें, तो इसमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या, कॉमन मिलना जरूरी है, ये ध्यान रखना, कॉमन मिलना जरूरी है, तो अब यहां पर ध्यान रखो कि भाई तीन कॉमन नहीं मिल रहा है, यहां पर चार तो नहीं होना चाहिए, देख लो, क्योंकि चार तो इधर है, ठीक है, फोर इधर है, तो दो बार तो फोर नहीं होगा भाई, क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, समझ लो आप, ठीक है, बाकी क्योंकि जो थ्री है, थ्री इसमें भी आ रहा है, ठीक है, और थ्री इसमें भी है और थ्री इसमें भी है, क्या मिसिंग लग रहा होगा, कुछ भी हम लोग रख दें क्या, नहीं कुछ मत रखो आप, इसको छोड़ दो, क्यों दिमाग लगाना, आ जाओ इसमें, ठीक है, देखो आप आ जाओ इसमें, आ जाओ,
बाय मिस्टेक वो हो गया होगा, ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया होगा। देखो आप यहां पर क्वेश्चन नंबर, यहां पर पूछ रहा है तीन के विपरीत, क्या पूछ रहा है, तीन के विपरीत पूछ रहा है। तो अब देख लो भाई तीन किसमें है, तो तीन इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो हम इन तीनों में से किसी का भी कंपैरिजन किसी के साथ करेंगे, इसी के साथ करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि हमने इसका इसका कंपैरिजन किया, इसके साथ इसका किया, तो इसका इसका कंपैरिजन करेंगे, कितने एलिमेंट कॉमन है, तो ये की कॉमन हमको मिल रहा है, वो मिल रहा है टू, ठीक है। तो तीन के विपरीत पूछ रहा है, तो टू के किस तरफ तीन दिख रहा है, तो एंटी क्लॉक पर, तो टू के एंटी क्लॉक पर कौन है, तो फोर है, तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर आएगा फोर, ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, फोर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही दिख रहा है कुछ, चलो ठीक है भाई। एक क्यूबिकल ब्लॉक के विपरीत सतह पर डॉट्स की कुल संख्या हमेशा सात होती है, कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, सात होती है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि विपरीत सतह पर डॉट्स की कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, सात होती है, तो वह आकृति ढूंढें जो सही है, ठीक है, वह आकृति ढूंढें जो सही है। यह क्वेश्चन बिल्कुल अलग है, ठीक है, यह क्वेश्चन कैसा है, बिल्कुल अलग है। और इस क्वेश्चन में अगर ध्यान रखो तो आपको स्टार्टिंग में जो बातें हमने बताई उससे आंसर आएगा, तो आप मुझे जरा आंसर करके बताओ कमेंट्स में आंसर क्या होएगा, क्योंकि यहां पर कोई आपसे विपरीत विपरीत नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखो आप क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विपरीत सतहों पर डॉट्स की कुल संख्या कितनी है, सात है, अभी आप समझ गए होंगे शायद, ठीक है, विपरीत सतहों में, ठीक है, संख्या कितनी है, सात है, ठीक है, आंसर कर दो फटाफट आप, ठीक है, आंसर कर दो आप फटाफट, ठीक है, क्योंकि ये बात हमने स्टार्टिंग में बताई है, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं, कुछ और बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं पहले, ठीक है, कुछ और बेसिक पॉइंट समझ लेते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बेसिक पॉइंट्स क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, हमने स्टार्टिंग में आपको जो बताया, हमने आपको बताया, ध्यान रखिएगा, हमने जो आपको बताया वो हमने आपको बताया क्लोज डाइस और ओपन डाइस। भाई क्लोज डाइस ओपन डाइस बताया तो क्या उस पर भी क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है, तो थोड़ा समझ लो आप उसको, ठीक है, थोड़ा आप उसको भी समझ लो। देखो हम पहले लेंगे ओपन टू क्लोज, ओपन टू क्लोज मतलब अगर खुला पासा हो, ठीक है, तो उससे बंद पासा कैसे बनाएंगे, ठीक है, ओपन टू क्लोज समझ लो और क्लोज टू ओपन समझ लो, ये दोनों बातें समझ लेंगे तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्लीट, समझो आप। देखो एक हमने ये पासा लिया और खुला पासा लिया, ठीक है, कैसा पासा है, खुला वाला है, ठीक, शायद सबको दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा बना लेता हूं, देखो आप, देखो एक ऐसा मैंने खुला पासा लिया, ठीक है, चलो सही है, एक खुला पासा लिया, इस पर हम कुछ लिख लेते हैं, मैंने लिख लिया यहां पर ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, बेसिक बात समझनी है वो आप समझ जाओगे। देखो आप, अब ये खुला पासा है, अब वो कहेगा क्वेश्चन में कि अगर इसको हम बंद करें तो पासा कैसा दिखेगा, ठीक है, पासा कैसा दिख रहा होगा, ऑप्शन मैं दे देता हूं, आप समझिएगा, ऑप्शन दे देता हूं यहां पर, ठीक है, और आप मुझे आंसर करके बताइए कि क्या बनने वाला है, क्योंकि जो बेसिक हमने सीखा है वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जो हमने बेसिक सीखा है क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से बनेगा, ठीक है, क्वेश्चन कहां से बनेगा, बिल्कुल वहीं से बनने वाला है, ठीक है। देखो आप, क्या कर रहा हूं भाई मैं, हमें चार बनाने हैं ना, ठीक है, चलो अभी चार ले लिया हमने, ये हो गया थ्री और ये हो गया फोर, ठीक है, चार ले लिया, अब मैं चारों में कुछ लिखने वाला हूं, देखो कलर चेंज कर लेते हैं, यहां मैंने लिखा है ए बी सी, ठीक है, फिर लिखा ई बी एफ, ठीक है, फिर लिखा बी सी डी, फिर लिखा ए ई बी, आपको बताना है कि यहां पर कौन सा, अगर इसको बंद करेंगे तो कौन से पिक्चर करेक्ट होएगी, राइट, सिंपल सा एक पॉइंट है जो आपको समझना है,
आपको पता है कि इसमें विपरीत क्या है, आपको पता है इसमें विपरीत क्या है। जैसे आपको पता है कि ए के विपरीत कौन होगा, सी होगा, ठीक है। ये विपरीत हमें पता होना चाहिए, ये अल्टरनेट एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर आप इसको बंद करोगे तो कौन किसके आमने सामने आएगा, तो ए के सामने सी आएगा, बी के सामने डी आएगा, ए के सामने एफ आएगा, तो वही एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तो ए के विपरीत कौन है, सी है भाई, बी के विपरीत कौन है, तो डी है, ई के विपरीत कौन है, तो एफ है। आपने शुरुआती में क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि एक, ध्यान रखना ये जो डाइस की एक पिक्चर है इसके अंदर जो ये तीनों दिखेंगे कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ में विपरीत होंगे कुछ में नहीं होंगे, यानी आप देखो ए बी सी में कोई भी एक दूसरे के विपरीत दिख रहा है क्या, ए बी सी में कोई भी एक दूसरे के विपरीत दिख रहा है क्या। देखो आप ए बी सी में कोई एक दूसरे के विपरीत है तो भाई ए के विपरीत सी है, तो विपरीत वाला कभी भी एक पिक्चर में नहीं आ सकता है, राइट। तो ध्यान देना ये विपरीत दिख रहे हैं, इसमें कोई एक दूसरे के विपरीत है तो ध्यान रखो ई और एफ विपरीत है तो भाई ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें कोई विपरीत है तो ध्यान रखो बी के विपरीत डी है तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें कोई विपरीत है ए ई बी में, ए ई बी में कोई नहीं है तो आंसर कौन होगा, ये होगा। बिल्कुल दिमाग में बैठा लो आप, ठीक है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। चलो दूसरा अब हम क्या क्या करेंगे, दूसरा जो हम करने वाले हैं, दूसरे में हम करेंगे कि अगर हमको क्लोज डाइस दिया हो, क्लोज डाइस दिया है तो उससे हम ओपन डाइस कैसे बनाएंगे, उससे हम ओपन डाइस कैसे बनाएंगे, ठीक है। ओपन डाइस, क्लोज टू ओपन डाइस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यहां पर समझिएगा आप कि यानी आपको एक बंद पासा दिया होगा और कहेगा कि उसको खोलिए, और जब आप खोलोगे तो वो कौन सा बनेगा, राइट। फिलहाल इसमें जो ओपन होता है, ओपन में डिजाइनें बहुत होती हैं, जब हम कभी नेक्स्ट में क्लास लेंगे तो वो नंबर ऑफ वैरायटी हम रखेंगे क्वेश्चन की, ठीक है। आज हम जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो 99% क्वेश्चन आते हैं वो यहीं से आते हैं, आपके क्वेश्चन तो कभी नहीं छूटेंगे। आप देखो यहां पर, अब देखो ये हमने लिया, ज्यादातर ये जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें वो आपको ध्यान रखना है, और जो लोग पेपर दे रहे होंगे उनको पता होगा ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो अमानक पासा से ही बनते हैं, यानी नॉन स्टैंडर्ड से ही बनते हैं। देखो यहां पर मैंने लिखा ए बी सी, ये जरा मैं देखो आप ए बी सी, ठीक है, फिर मैंने लिखा डी बी ई, ठीक है, राइट, ये मैंने लिख दिया। अब मैं जरा यहां पर बनाऊंगा ऑप्शन, ऑप्शन क्या बन जाएगा भाई, देखो आप, मैं एक ही तरीके का ओपन डाइस यूज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आए, ठीक। शुरुआती में ऐसे ही करना है, ये चार हमने ले लिया ओपन डाइस, ठीक है, तो ये वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया। देखो आप इसको आप समझ लो केवल, ठीक है। समझना कैसे है, आपको पता है कि अगर दो पिक्चर आपको दी जाएगी तो आप एक दूसरे के विपरीत तो निकाल ही लोगे, ठीक है। तो निकाल के देखो, मैं ऑप्शन फिर एक एक करके आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो आप अभी जैसे क्या करना है, कौन एक दूसरे के विपरीत है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो बी है, तो बी के जो क्लॉकवाइज वाले होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। यानी बी के ऑपोजिट क्या है, अगर मैं ए से एफ तक यूज करूंगा तो ध्यान रखना बी के ऑपोजिट क्या आएगा, एफ आएगा, ठीक है, और ए के ऑपोजिट क्या आएगा, तो डी आएगा, और सी के ऑपोजिट क्या आएगा, तो ई आएगा। सिंपल एक बात हमें समझनी, जो यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, अभी हमने बनाया नहीं है इसके अंदर, तो जो भी दिख रहा है इसके अंदर विपरीत बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि विपरीत यहां पर दिया गया है, ठीक है, विपरीत बिल्कुल क्लियर होगा। अब जैसे मान लो मैंने यहां क्वेश्चन में लिखा ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, फिर मैंने लिखा ए ई एफ सी, सी है, ठीक है, डी और बी, ठीक है। अब आप देखो, फिर मैंने लिखा बी ई ए, बी ई ए एफ सी और डी, ठीक है। आपको केवल इतना देखना है कि कोई एक दूसरे का ऑपोजिट वाला तो नहीं आ रहा है। अब मैंने लिखा ए बी डी, ए बी
डी, ए बी डी, एफ और सी और ई। अगर आप देखोगे तो कोई एक दूसरे के विपरीत तो नहीं, बस यही तो देखना है आपको। क्या करना है? यही तो देखना है। कैसे देखोगे? देखो आप, क्या ए के विपरीत सी है? क्या ए के विपरीत सी है? तो नहीं भाई, नहीं है, तो मतलब आंसर नहीं होगा। इसमें देखो, क्या सी के विपरीत डी है? तो सी के विपरीत डी नहीं है, तो यह भी आंसर नहीं होगा। बी के विपरीत ए है? तो भाई नहीं है, तो आंसर नहीं होगा। क्या ए के विपरीत डी है? तो है। क्या सी के विपरीत ई है? सी के विपरीत ई है, तो है। क्या बी के विपरीत एफ है? तो है, बिल्कुल, ये आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। सो सेशन को खत्म करने वाले हैं हम लोग, और खत्म करने से पहले फिर दोबारा मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपको क्या करना है। अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आपको कुछ बुक्स चाहिए, तो आप बिल्कुल स्टडी 91 प्रो पर जाइए और उसको चेकआउट करिए, राइट। सो सेशन को हम लोग यहीं खत्म करेंगे, और जल्दी से अगर आपको ये चीजें समझ आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखो बिल्कुल समझ आ रहा है, और इसके बाद उसको शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। देखिए, हमारा मिशन ही है कि अब की बार वर्दी आपको मिल के रहे। ओके, थैंक यू, थैंक यू।